हेलो विवर दिस इज नीताश चतुर्वेदी एंड वेलकम टू ऑल ऑन आई यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग टू फोर सेवन जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी के क्लास में ये हमारी एक नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट लेक्चर है जो कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड रिगार्डिंग ऑल मटेरियल आपको इसी चैनल पर मिलेगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं मैं अप टू द मार्क यूपी पुलिस के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करा, करा रही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर क्या होता है बेसिक्स क्या है कंप्यूटर्स के उसके अलावा आपको नेटवर्किंग uh, क्या हो रही है डेटा बेस एस प्रोग्रामिंग प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं अभी तक मैं मोस्टली मटेरियल आपको इस चैनल पर दे चुकी हूँ आप लोग प्ले में जाके देख सकते हैं उसके अलावा आज की क्लास हम लोग नेटवर्किंग करेंगे नेटवर्किंग में मैं अभी तक नेटवर्किंग क्या होती है इंटरनेट क्या है उसके अलावा नेटवर्किंग किस तरीके से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं टोपोलॉजीज क्या है बस स्टार हाइब्रिड ये सारी टोपोलॉजीज क्या होती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं मॉडर्म राउटर गेटवे ये सारी डिवाइसेस क्या होती है कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है ये सारी चीजें हम प्रीवियसली कर चुके हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है आई रिक्वेस्ट कि प्ले में जाकर आप लोग पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आपको चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी मैं आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस से अप टू द मार्क ही आपको सारी प्रिपरेशन करा रही हूँ जैसा आपका सिलेबस दिया हुआ है आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वेबसाइट पर उसके रिगार्डिंग में आपको सारा मेटेरियल ए टू जेड अप टू द मार्क ही करा रही हूँ आप प्रीवियस वीडियोस में देखकर एक बार ये चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों को करा रही हूँ अब आज क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग की क्लास नंबर फाइव है जिसमें हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैसे होता है जब एक नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो एरिया वाइज हम लोगों ने नेटवर्क के कुछ टाइप्स डिवाइड किए गए हैं जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क लैन मैन वैन ये सारे अब ये क्या क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे पेन जिसको हम पेन बोलते हैं ये हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मोबाइल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर जब वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं एक शॉर्ट रेंज तक मिनिमम रेंज तक तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी जिसकी डिस्टेंस एक लिमिटेड हो एज कंपेयर टू पेन से ज़्यादा और Man से कम जिसकी एक लिमिटेड डिस्टेंस हो जब हमें किसी घर को एरिया को लिमिटेड डिस्टेंस को कवर करना हो तो हम लैंड का कर यूज करते हैं अगली बात आती है मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब हमें पूरी सिटी को पूरे एक मॉल को स्टेशन को कनेक्ट करना होता है एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा की रेंज चाहिए होती है तब हम मैन का यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क ये डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू के थ्रू जब हमें मल्टीपल सिटी स्टेट कंट्रीज कॉन्टिनेंट मतलब पूरे लार्ज एरिया को कवर करना हो तब हम वैन का यूज करते हैं अगला अब हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जैसे जो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क ये स्पेर्ड इन द दोक्सिमिटी ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं अप्रोक्सिमिटी कवर एन एरिया फ्यू मीटर्स तक की डिस्टेंस को कवर करता है हम लोग ये दोनों तरीके से यूज करता है गाइडेड और अन अब दो तरीके के मीडिया होते हैं गाइडेड अनगाइडेड और गाइडेड अब ये क्या होते हैं देखो जो गाइडेड होते हैं गाइडेड को हम वायर बोलते हैं अनगाइडेड को वायरलेस बोलते हैं अब ये वायरलेस और वायर क्या होते हैं में जैसे हम फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं वायरलेस में हम रेडियो वेव फाइबर ऑप्टिक रेडियो वेव सेटेलाइट इंफ्रा रेड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं तो गाइडेड मतलब जो वायर से हो अनगाइडेड मतलब जो वायर से नहीं हो वायरलेस हो अब चाहे हम किसी केबल से कनेक्ट करें नेट को चाहे हम ब्लूटूथ या इंफ्रारेड वेव से नेट को कनेक्ट करें जब उसकी डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम आए वो एक मिनिमम डिस्टेंस तक कवर कर सके तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते है हैं जैसे हमें टीवी को कनेक्ट करने के लिए टीवी के रिमोट की जरूरत होती है तो टीवी का रिमोट एक मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता है ऑलमोस्ट टेन मीटर तक की डिस्टेंस तो वो जो टेन मीटर तक की ऑलमोस्ट डिस्टेंस है टीवी का रिमोट और टीवी के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो हो रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे ब्लूटूथ वगैरह का हम यूज करते हैं तो ब्लूटूथ वगैरह एक पर्सनल पर्पज से हम यूज करते हैं तो दीज ऑल एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस सच डिवाइस कंप्यूटर फोन्स एम पी थ्री एम पी फोर प्लेयर कैमरा एक्सेट्रा ट्रांसमिटिंग सॉन्ग्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज अ पेन मतलब एक दो फोन के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है ब्लूटूथ वगैरह के जरिए दिस इज अ पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्शन अगला लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नेटवर्क होता है वो होता है लैंड ये हम लैंड केबल के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तो लैंड लैंड कनेक्शन सबसे ज्यादा वाइडेस्ट कनेक्शन यूज होने वाला कनेक्शन है हम लोग इसे अपने घरों में स्मॉल एरियाज में अपने ऑफिस में बिल्डिंग्स में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं तो ये जो लैंड कनेक्शन होता है ये डिफरेंट टोपोलॉजीज पर वर्क करता है स्टार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी टोपोलॉजी क्या होती है जो नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये चार कंप्यूटर है इनको आपको कनेक्ट करना है तो इनको किस तरीके से आपने कनेक्ट किया है ये डिसाइड करता है टोपोलॉजी ठीक है ये जैसे बस टोपोलॉजी वायर के थ्रू ये हमारी मैश टोपोलॉजी हो गई सारी तो, सारी डिवाइस एक दूसरे से एक अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शन जो होता है नेटवर्क का किस तरीके से अरेंज करा जा रहा है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं तो जो लैंड कनेक्शन होता है ये हम हमारे घर में हाउस में हमारे घरों में स्कूल में बिल्डिंग्स में रूम्स में उसके अलावा एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल एरिया में और ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं ठीक है अब ये क्या है प्राइवेट नेटवर्क मीन्स नो नीड टू रेगुलेटरी कंट्रोल ये प्राइवेट नेटवर्क होता है ऑपरेट रिलीवेंटली हाई स्पीड का नेटवर्क होता है टोकन रिंग मीडिया एक्सेस कंट्रोल आर यूज कनेक्ट कंप्यूटर सिंगल बिल्डिंग सिंगल बिल्डिंग और ब्लॉक्स वगैरह में स्मॉल एरिया में कनेक्ट करने के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं आप बस इतना याद रखो कि हमें लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क होता है हमें अपने हमें अपने घरों में बिल्डिंग्स में ऑफिस में स्कूल्स में ए, छोटे एरिया में जब हमें ने, नेटवर्क का कनेक्शन करना होता है तो उसको हम लैंड के थ्रू करते हैं अगला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एक सिटी तक की डिस्टेंस को कवर कर लेता है लैंड के कंपैरिजन में इसकी जो डिस्टेंस होती है वो फ्यू किलोमीटर फ्यू किलोमीटर रेडियस तक को कवर कर लेता है आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स है है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वहां पर जो कनेक्शन किया जाता है वो हमारा मेन कनेक्शन किया जा रहा है यानी लार्ज कारपोरेशन में लार्ज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम इसका कनेक्शन करते हैं एग्जाम्पल स्कूल पूरे स्कूल में बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफिस में मेन कनेक्शन हम करते हैं ये बहुत सारे इंटर इंटर कनेक्टिंग जब लैन जैसे एक लैन ये है एक लैन ये है और एक लैन ये है मेरे घर या मेरी एक बैंक है वहां पे तीन लैन कनेक्शन है इन तीनों को एक मैंने कवर कर दिया एक कनेक्शन से वो हो गया मेरा मैन ठीक है यानी लार्ज एरिया को फ्यू किलोमीटर या फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक की डिस्टेंस को जब मुझे कनेक्ट करना होता है तब मैं मेट्रोपॉलिटन तो एरिया नेटवर्क यानी मैन का यूज करती हूँ क्लियर अगला वाइड एरिया नेटवर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कनेक्शन है स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स ये जब बहुत सारे लैन मैन वैन आपस में मिल जाते हैं बहुत सारे लैन मैन ये सब जब आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं तब एक तैयार होता है हमारा वैन जब हमें पूरे स्टेट को इवन पूरी सिटी को पूरे लार्ज एरिया को पूरे कॉन्टिनेंट को पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है तो हम डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी मोर कॉम्प्लेक्स मोर लॉन्ग डिस्टेंस कवर जहाँ होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन होता है यानी इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वाइडरिया नेटवर्क है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब पूरा जो इंटरनेट कनेक्ट है वो वाइड के थ्रू ही कनेक्ट है ये देखो लार्ज डिस्टेंस की सिटीज कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है कम्युनिकेशन मीडियम इसका सैटेलाइट के थ्रू होता है पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू होता है और एंड राउटर्स आर यू स्टैब्लिश कनेक्शन बहुत सारे राउटर्स को मिला के इस कनेक्शन को किया जाता है एग्जाम्पल्स ए टी एम्स बैंक नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कनेक्ट किए हुए स्प्रेड कंट्रीज कॉन्टिनेंट कवरिंग मेनी कॉन्टिनेंट को कवर करने के लिए हम वाइडीरिया नेटवर्क का कर यूज करते हैं ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है और सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होता है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट वाई डीरिया नेटवर्क डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है अगला नेटवर्क लेआउट अब ये नेटवर्क लेआउट क्या होता है ये हमारा अरेंजमेंट और डिजाइन जो होती है जो हमने टोपोलॉजी में पढ़ा था तो उस तरीके की एक ऐसी डिजाइन और अरेन्जमेंट करते हैं जिससे हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बेस्ट हो सिक्योर हो और back, हमारी फाइल शेयरिंग प्रॉपर हो तो उसके लिए हम एक लेआउट तैयार करते हैं जैसे कि हमने आ, मुझे नेट कनेक्शन करना है ये ऑफिस है मेरी ये लाइब्रेरी है ये कंप्यूटर लैब है ये इस तरीके से बहुत सारे नेट्स को मुझे कनेक्ट करना है तो मैं एक इस तरीका का लेआउट करूंगी जो जिसका कम्युनिकेशन स्पीड ठीक हो फाइल शेयरिंग प्रॉपर हो जाए उसका बैकअप और रोल बैक मतलब डेटा हमारा बैकअप हो जाए इजीली सॉफ्टवेयर और हार्ड हार्डवेयर जो शेयर हो रहे हैं वो इजी हो जाए वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे से शेयर हो जाए सिक्योरिटी हो स्केलेबिलिटी हो रिलायबिलिटी हो सिक्योरिटी हो और वो अच्छे से स्केल हो जाए रिलायबल हो तो ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क लेआउट मतलब एक प्लानिंग और डिज़ाइन होती है हमारे नेटवर्क का अरेंजमेंट की जो प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है उसको हम नेटवर्क लेआउट बोलते हैं जैसे कि आप नेटवर्क कनेक्शन से पहले एक लेआउट बनाते हो ना कि मुझे ये काम करना है ये काम अपना टाइम टेबल बनाते हो तो एक लेआउट रफली तैयार कर देना कि मुझे आज इतने बजे उठना है ये काम करना है ये काम करना है इसके ऐसे ही जब हम नेटवर्क कनेक्शन करते हैं जब हम टोपोलॉजीज में जाते हैं कि हम किस तरीके से नेटवर्क अरेंज करें तो उसके लिए हम एक लेआउट तैयार करते हैं कि हमको इस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए उसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना है फाइल शेयर हो जाए कम्युनिकेशन स्पीड हो जाए हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वो अच्छे से कॉमन हार्डवेयर कॉमन सॉफ्टवेयर यूज हो जाए बैकअप हो जाए रिलायबल हो सिक्योर हो फाइल प्रॉपर शेयर हो इसकी कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी हो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं तो इस तरीके से हम नेटवर्क लेआउट का तैयार करते हैं आज हम लोगों ने नेटवर्किंग में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अब नेटवर्किंग के इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्किंग की चैप्टर में आपकी कुछ ही चीज़ें बची हैं जो एक या दो क्लासेस में पूरी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो कराने की पूरी कोशिश करूंगी वो कराऊंगी जैसे मैंने डी बी एम एस एस के चैप्टर के बाद एक आपको पूरा ओवरव्यू दिया था कि आ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जाते हैं देखो एक तरीका होता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा लूं और सॉल्व करवा दूं। एक तरीका क्या है कि मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्वेश्चन तो क्या किया पहले मैं आपको क्या करा रही थी कि आपको फाइव हंड्रेड की सीरीज भी करा रही थी और क्वेश्चंस भी करा रही थी साथ के साथ दे रही थी आपको जो साथ के साथ क्वेश्चंस थे वो भी दे रही थी पीडीएफ के बाद तो लेकिन अब मैंने क्या किया अपना तरीका चेंज किया है एस uh, पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग कि पहले मैं चैप्टर का मेन मेन पोर्शन करा लेती हूँ फिर मैं कुछ क्वेश्चन जैसे 25, 30, 35, 50 क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली इसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन तो कराती हूँ प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे आपको एक ही क्लास में पूरे चैप्टर वाइज करा देती हूँ जैसे अभी मैंने डीबीएमएस एसक्यूएल में आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने करा दिए चैप्टर पढ़ाने के बाद तो पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराए तो मैं ऐसे ही नेटवर्किंग कराऊंगी साथ ही जो आपके फाइव हंड्रेड की सीरीज चल रही है वो तो ऐसे इज चल ही रही है उसमें जैसे एक दिन क्लास मैंने वीक में चार क्लासेस पढ़ाया तो एक क्लास मैंने ऐसे 500 हंड्रेड की क्वेश्चन की सीरीज करा दी जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रही हूँ तो उसके बाद जब हमारे ये सारे सिलेबस हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व करा दूंगी आपके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे हम लोग वो करेंगे और जो आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करेंगे ठीक है तो अभी मैं मेन मेन वो टॉपिक करा रही हूँ जिसके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है अभी आपके पास टाइम है तो आप चीजों को थियोटिकली इन डिटेल पढ़ सकते हो तो इस वजह से मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ तो आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं मैं लोगों के के देती हूं, आप लोग देख सकते हैं और अगर जो लोग इस चैनल पर तो पर नए हैं तो कर कर दीजिए दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे पुरानी वीडियो के लिए प्ले में जाके आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की पुरानी जितनी भी वीडियोज है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी तो आप लोग देख सकते हैं जो लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे मैं उनको बता दू नोट्स में ये चैप्टर आप लोगों को नोट्स में ही समझ लिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से देना स्टार्ट कर दूंगी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ कि मैं अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स नहीं है तो मैं उसके लिए आंसर्स वगैरह सारी चीजें पूरी पी बनाना मैनेज करना तो मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग चाहे तो वहाँ वहीं पे नोट्स और वीडियोस के जितने भी लिंक्स हैं मैं सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड करती हूँ करूंगी आगे इन फर्दर तो आप लोग वहां भी ज्वाइन होना चाहें तो हो जाए एज पर योर चॉइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक ले गुड बाय और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने का और मेहनत करने का थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे